बस बस। ओ मम्मा आपका तो हाथ ही गायब हो गया। दो रंग हाथ हो गया। ये देख वाकई है। ये कितने दिन तक ऐसे रहेगा? ये इसका रिजल्ट रहता है 20 से 22 दिन। चलो सही ले लो। मतलब 15 दिन में आप लगा सकते हो इसको, 15 दिन के गैप से लगा। अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, आई एम फलकनास एंड वेलकम टू द लाइव विद डॉली यूट्यूब चैनल। सो टुडे गाइस वी आर गोइंग टू द कराचीज बिगेस्ट होलसेल मार्केट विच इज़ आल्सो नोन एज बोल्टन मार्केट। या गाइस आज हम लोग जा रहे हैं बोल्टन मार्केट और यहाँ पर जाकर हम आप लोगों को बहुत ही अलग अलग शॉप्स का विजिट करवाएंगे, जहाँ पर आप देखेंगे मेकअप, बेबी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी अलग अलग ऑथेंटिक चीज़ें जो आपको नॉर्मल मार्केट्स में नहीं मिलती और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। आज का व्लॉग सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, उन लोगों के लिए भी जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में बहुत ही गुड क्वालिटी की चीज़ें जिन्हें वो सेल कर सकें। और गाइस मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ लाइव रिव्यूज़ शेयर करने वाली हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स के। सो काइंडली इस वीडियो को फुल वॉच करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गाइस यहाँ पर जो है ना वो शूटिंग हो रही है, न्यूज़ वाले आए हुए हैं यहाँ पर और खबर की दुनिया। बाय द वे गाइस टाइम जो है ना वो अभी 12:30 हो रहे थे और हम लोग सुबह निकले थे, तो सुबह का व्यू कुछ ऐसा है और अभी बाज़ार आया नहीं है, ये रास्ते में ही रुके हैं हम लोग, तो अभी बाज़ार आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस हमारे बोल्डन मार्केट के रास्ते में बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस आती हैं, सो जिनको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और ये बहुत ही ऑथेंटिक और लाइक बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आती है इन्हें देख के। सो गाइस अनदर साइड एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारी फानूस की शॉप्स हैं और जो बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई हैं, जो दिखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रिटी लगता है। सो गाइस इसके बाद आई कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और डेकोरेशन की कुछ शॉप्स, वो भी देखने में बहुत ही प्रिटी लग रही थी एज यू कैन सी। सो गाइस ऑटो से नीचे उतरते ही आई ज्वेलरी की शॉप और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा व्यू करवा दूँ, देन उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए नेक्स्ट शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम, ये हम लोग आए हैं बोल्टन मार्केट, यहाँ पे ये सुल्तान भाई की शॉप है और यहाँ से सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, ज्वेलरी बनाने का रॉ मटेरियल और इसके अलावा ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सो गाइस इनके पास जो है वो टेसल्स, बटन्स की बेशुमार वैरायटीज़ हैं और इसके अलावा ज्वेलरी बनाने का रॉ मटेरियल भी इनके पास मौजूद है, हुक्स वगैरह जो होते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और बाय कर सकते हैं चीज़ें, और ये इनका कार्ड है, इस पर सारी इसका इनका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। आपने एंटर होना है और फिर यहाँ से आके ये शॉप है, ठीक है, यहाँ पर आके आप लोग कुछ भी चीज़ें अवेलेबल, सब चीज़ें यहाँ पर आप आके ले सकते हैं। और ये यहाँ पर लाइव रिव्यू चल रहा है इसका, हमें आपने क्या लगाया हाथ पर? ये फेशियल वो है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, वाइटनिंग व्हाइटनिंग ब्लीच ये लो भाई, इसका भी हम आपको रिव्यू देंगे। बस सर वॉश करा रहा हूँ, एक मिनट आ गया बता।
येलो टीम के कलर बड़े प्यारे कलर हैं, जैसे ऊपर है वही अंदर। सो गाइस अब यहाँ पर हम फेस वॉश अप्लाई कर रहे हैं हैंड्स पर, और इसका लाइव रिव्यू अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो फेस वॉश है ये इनका अपना ख़ुद का ओन प्रोडक्ट है इस शॉप का। अप्लाई करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसका अच्छे से मसाज करना है। और ये वो फेस वॉश है जो अभी हमने अप्लाई किया है। ये इस दुकान का कार्ड है, आप इजीली इस कार्ड की हेल्प से इस शॉप पर आ सकते हैं। सो गाइस 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसे वॉश कर लिया था नॉर्मल वाटर से, और अब हम आपके साथ शेयर करेंगे इसका फाइनल रिज़ल्ट। अच्छे से टिश्यू से वाइप कर दिया है इसे हमने, और एट द एंड इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये देखो थोड़ा सा वाइट वाइट हो गया है और ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है, टैनिंग वगैरह सब कुछ चली गई है, तो ये बहुत अच्छा है भाई, ये ले लो आप। और इसको मैं भी यूज़ करूँगी अपने हाथों के लिए, कॉलेज वगैरह जाते हैं तो हाथ हमारे ब्लैक हो जाते हैं धूप की वजह से। ओ मम्मा आपका तो हाथ ही गायब हो गया। ये देख वाकई है, ये कितने तक ऐसे रहेगा? ये इसका रिजल्ट रहता है 20 से 22 दिन। चलो सही ले लो, 15 दिन में आप लगा सकते हैं इसको, 15 दिन के गैप से लगा सकते हैं, महीने में 2 दफा। ये दिखाइएगा जो आपने लगाया था, ट्राई है हमारा, ये लगाया था और फिर ये रिजल्ट आया है। ये देखें, इतने इस पर लगाया था, डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसकी प्राइस क्या है? ये भी देखें, 1100। ये 1100 का है, ठीक है, और 1100 में इतनी कमाल की स्किन। ये जो है वो है 500 का। बेबी लिप्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी 100 रुपीज़ में। इसके अलावा नेल पेंट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी 40 रुपीज़ में, पील ऑफ नेल पेंट्स, बहुत ही अच्छी है, देखिए मैंने अभी ट्राई किया, ठीक है। बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस में यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। बैग्स आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर। प्राइजेस बताएंगे, 200 रुपीज़ का ईच लिप ग्लॉस, ठीक है। 100 वाली भी दिखा देंगे, और क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कम है लेकिन क्वालिटी भी अच्छी है। ये कुछ मैट के शेड्स हैं यहाँ पर, और ये भी 100 रुपीज़ के हैं। यहाँ पर नेल आर्ट का बहुत सारा सामान है, गाइज यहाँ पर हेयर मास्क भी अवेलेबल हैं, और ये है बड़ा जार है तो ये है 1100 का, और इसका छोटा जार भी है जो कि 500 का। तो गाइज ये यहाँ पर हम लोग बेबी शॉप पर आए हैं, ये शॉप, और आप इनको कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं इनसे। और ये शॉप है सारे न्यू बॉर्न बेबी के, न्यू बॉर्न बेबी 1 साल 2 साल 2 साल के बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेज हैं। मिल जाएंगे बच्चों के,
गाइज यहाँ पर मुझे एक ड्रेस दिखा जो मैंने ऑनलाइन देखा था और इसकी प्राइस थी ऑनलाइन 3000 रुपीज, बट यहाँ पर थी ओनली 750। गाइज जी एक और दुकान है हमारे पास बेबी शॉप की, सो गाइज इस शॉप पर मुझे बहुत ही क्यूट सी चीज़ नज़र आई बेबी की, और वो थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ, आई विल शो यू। सो गाइज ये है वो चीज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये एक प्यारा सा बिस्तर है बेबी का, और ये था 5000 रुपीज़ का, और इसके अंदर टोटल 10 आइटम्स थे, लाइक कुशंस थे और बहुत कुछ था, टोटल 10 आइटम्स थे इसमें। गाइज उसके बाद हम एक और शॉप में आए और यहाँ से हमने लिया एक ड्रेस जो सिंगल उसका होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बेबी की सारी चीज़ें होती हैं, लाइक रुमाल, टिश्यू, टोपी, कैप, सब कुछ होता है। सो गाइज इस शॉप के बिल्कुल बराबर में ही एक और शॉप है, और यहाँ पर बच्चों की हर वैरायटी की कैप्स मौजूद थी और बहुत ही प्रिटी लग रही थी ये, और ऐसी कैप्स ना मैंने टिकटॉक में छोटी छोटी बेबीज़ को पहने हुए देखा है और काफ़ी क्यूट लगता है। सो वो आप यहाँ से आकर बाय कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। बाय द वे गाइस अभी हम गोल्डन मार्केट की जिस गली में मौजूद हैं, इस गली का नाम है अच्छी कबर, और आप ये बोलकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। सो गाइस अब यहाँ पर आई कुछ स्टील के यूटेंसिल्स की शॉप, और यहाँ पर किचन एसेसरीज़ की भी काफ़ी वैरायटी मौजूद थी, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में एज़ यू कैन सी, और इन सब के प्राइसेस जो है वो डिफरेंट थी। हेलो क्यूटीज, दिस इज फलकनाश एंड यू आर वॉचिंग लाइव विद डॉली यूट्यूब चैनल। सो गाइज यहाँ पर मेरे पीछे आपको बहुत सारे स्लीपर्स नज़र आ रहे होंगे, इन सब के प्राइसेस डिफरेंट थी और वैरायटी बहुत सारी है, वैरायटी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हम दूसरी शॉप पर जा रहे हैं, जब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो गाइज अब यहाँ पर फिर से आई बच्चों की कैप्स और बेबी बाबा दोनों की कैप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइज इसके बाद हम लोग यहाँ से मूव ऑन कर गए नेक्स्ट शॉप पर, और यहाँ पर आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ व्लॉगिंग करते करते। और इसके बाद हम लोग पहुँचे नेक्स्ट स्टोर पर, यहाँ पर थी प्लास्टिक की बहुत सारी वैरायटी। गाइज घर में जितना भी प्लास्टिक का सामान यूज़ होता है ना, वो यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल था, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, और वैरायटी अगेन बहुत सारी है, आप देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मेरे भाई और भाभी को, हम लोग साथ साथ इंजॉय भी कर रहे थे। सो गाइस इसके बाद अगेन आई कुछ प्लास्टिक के शॉप्स, और इनके पास बास्केट्स, वाटर कूलर, टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल थी, ये सब चीज़ें भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में थी। यहाँ से हमने एक स्मॉल बाथटब का प्राइस पूछा था और उसका प्राइस था 250 आई गेस, या 250 था। सो गाइज शॉपिंग करते करते हम काफ़ी थक गए थे और हमें भूख भी लग रही थी, तो हम लोग गए समोसा शॉप पर। जो भी गाइज ये है हमारे पास मरहबा समोसा कॉर्नर, और यहाँ पर रोल, मैं भी समोसा खाऊंगी यार, मैंने उस दिन खाया था बहुत अच्छा। यहाँ पर आप आएँ और खाएँ, और बहुत ही मज़े का भी आता है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देख सकते हैं गाइस चटनी के साथ समोसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे खाए जाने, खा के दिखाएं भाई ये क्या है। सो गाइस थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के बाद हम लोग गोल्डन मार्केट से मूव ऑन कर गए, और अब हम लोग जा रहे हैं एक ज्वेलरी की शॉप पर। सो ये भी एक शॉपिंग का, हमारी शॉपिंग का पार्ट था ये, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई ऐड दिस क्लिप इनटू दिस व्लॉग, कीप वॉचिंग। सो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं ज्वेलर की शॉप पर, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ सिल्वर की रिंग्स, और इनके पास भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें थीं,
और गाइस हम जो भी शॉपिंग कर रहे हैं ना, इस सब का एक मकसद है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो गाइस इफ़ यू वांट टू नो दिस यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल, तो आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो ईजिली मिल जाएंगे। जो जब भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने प्रिटी प्रिटी से बैंगल्स हैं सिल्वर के। सो गाइज़ ये एक पेंडेंट है जो कि नज़र के लिए होता है। आई एम नॉट श्योर कि इसका करेक्ट नेम क्या है, सो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर कुछ बहुत सारी सिल्वर की और गोल्ड की ज्वेलरी थी, काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। तो गाइज़ उसके बाद हम लोग आए एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हमने लंच किया, बिकॉज़ टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 4 बज गए थे और हम लोग सुबह 12 बजे के आए हुए थे। सो यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा इंजॉय किया और बस इसके बाद अब हम लोग जाएंगे घर पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब हम लोग जो है वो लंच करके यहाँ से निकल गए हैं और ये हालत हो गई है शॉपिंग कर करके। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे और यहीं पर करते हैं हम लोग इस ब्लॉग को एंड। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप ये वाला ब्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए, अल्लाह हाफिज़।